सो हेलो गाइस, फॉलोइंग इज हियर बैक अगेन विद न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू सर्वाइव हॉट ड्रॉप। आप हॉट ड्रॉप की सिचुएशन कैसे हैंडल कर सकते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सो वन गुड थिंग गाइस, क्या हमारे जो फर्स्ट 100 सब्सक्राइबर्स होते हैं वो अपने अपने प्यार से और सपोर्ट से कम्प्लीट कर दिए है, और हमारी जो फैमिली है वो 100 लोगों की हो गई है। सो मैंने सोचा क्यों ना इसी खुशी में क्लासिक के शॉर्ट्स डाले जाए। सो बहुत सारी बातें होगी, तो सीधा बात करते हैं वीडियो की। सो बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की। जब भी आप हॉट ड्रॉप उतरेंगे तो आपको देखना है कि आसपास बाहर बंदे कहाँ उतरे हैं, और आपको पहले घर में घुसना है गन लेने के लिए। ये वाली बात तो सबको पता ही होगी। सो हॉट ड्रॉप की एक मेन बात, आपको कभी भी एक जगह नहीं रुकना है, आपको हमेशा हिलते ही रहना है। सो घर में जाने के बाद आपको अगर अच्छी गन नहीं मिली तो आपको क्या करना है, आपको वहाँ से भागना है, क्योंकि आपके आसपास बंदे रहेंगे और आपको गन मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है। बट याद रखना, आपको भागना कैसा है, आपको सीधा कभी नहीं भागना। आपको इस दरवाजे से उस खिड़की में, उस खिड़की से उस गैलरी में, आपको ऐसे झिकझक भागना है। आपको एक ही डायरेक्शन में स्ट्रेट नहीं भागना है। तो इससे क्या होगा, एनिमी को गन भी मिलेगी तो आपको वो ट्रेस नहीं कर पाएगा। आपने एनिमी ने आपको देखा भी तभी भी वो आपको मार नहीं पाएगा, उसका एम नहीं लग पाएगा, क्योंकि आप वहाँ से यहाँ भाग रहे हैं। तो बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। अगर आपने किसी को नॉक किया तो आपको उसके पास सीधा नहीं जाना, आपको दूर से देखना है और दूर से उसको फिनिश करना है। और आप सीधा घुसे तो हो सकता है कि उसके और बंदे वहाँ हो, तो आप मरने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो जब भी आपके सामने 1v4 सिचुएशन आएगी तो आपको क्या करना है, आपको हर एक बंदे को एक एक करके नॉक करना है। क्यों? क्योंकि अगर चार बंदों के सामने जाओगे एक साथ, उन्होंने फायर किया तो आप मर ही जाओगे। तो बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप की, कि जब भी आप उतरेंगे तो आपको पता ही नहीं रहता कि आपको कौन सी गन मिलेगी। आपको कौन सी भी गन मिल सकती है, कभी कभार शॉटगन से भी आपको काम चलाना पड़ेगा। पर आपको क्या होता है, हम सिर्फ प्रैक्टिस करते हैं TDM में हमारे M4 की और AKM की, बट अगर आप बाकी गन नहीं यूज़ करेंगे तो आपको वहाँ डिफ़िकल्टी यूज़ हो सकती है। सो इस चीज़ को रिजोल्व करने के लिए आपको TDM में हर एक गन यूज़ करना है और हर एक गन को प्रैक्टिस करना है। आपको थोड़ी बहुत वो गन्स भी यूज़ करना आना चाहिए, शॉटगन वगैरह। सो ये वाली बात है हमें हॉट ड्रॉप सर्वाइव करने के लिए। उसके बाद आपको जो गन अच्छी मिलती है लगती है आप वो उसे यूज कर सकते हैं। बाद में जब आप सर्वाइव करेंगे आपको लूट भी हो जाएंगी तो आपको गन भी मिल जाएंगे। तो बस इतना ही था इस वाली वीडियो के लिए। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को अपने सब्सक्राइब करना, ऐसे ही सपोर्ट दिखाते रहना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे प्लेइंग, कीप ग्रोइंग।